अस्सलाम वालेकुम फिलोज आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन आई एम हैदर मक्सी एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल थर्टीन ऑफ़ कानून शहादत ओडा इसके अलावा आर्टिकल वन से लेकर वन सिक्सटी फाइव तक जितनी भी वीडियोज़ हमने बनाई है कानून शहादत ऑर्डर के ऊपर इन तमाम वीडियोज़ की प्ले लिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो मस्ट चेक आउट सो दिस इज़ चार्ट फॉर आर्टिकल थर्टीन यू नो वट यू हैव टू डू जस्ट गिव इट अ क्विक रीड आर्टिकल थर्टीन में सिंपली ये बताया गया है कि अगर किसी केस में कोई ऐसा विटनेस आता है जो कि उस केस में पार्टी नहीं है दैट मीन्स ना तो वो विटनेस प्लेंटिफ है और ना ही वो डिफेंडेंट है आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा विटनेस जिसे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के हारने या जीतने से कोई फ़र्क ना पड़ता उसके इंटरेस्ट मुतासर ना होते तो आर्टिकल थर्टीन कहता है कि ऐसे विटनेस को अदालत में तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा नंबर वन उसे फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपनी जाति पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के ओनरशिप के जो कागजात हैं वो दिखाए है। यानी टाइटल लीड्स हो सकते हैं सेल लीड्स हो सकते हैं सेकंड, और ना ही उसे मजबूर किया जाएगा कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसकी नस्बत से कोई प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है लेट से जहाँ पे विटनेस मॉर्गेज ही है तो मॉर्गेज डीड दिखाने के लिए उसे कंपेल नहीं किया जाएगा मॉर्गेज प्लेस क्या होते हैं है मज़िबिन कि आप ये चीज़ें अपने अर्लियर सेमेस्टर्स में पढ़ के आएँ इन केस आपने नहीं पढ़े तो आप यूट्यूब पर सर्च करके प्लीज़ देख लीजिएगा थर्ड उस विटनेस को ऐसे डॉक्यूमेंट को अदालत में प्रेजेंट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि जिसके प्रोडक्शन से वो विटनेस ख़ुद ही खतरे में पड़ जाए उस पर जो है क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ इम्पोज होने के चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएँ एंड सामने आ जाए इस तरह के चांसेस या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी उस विटनेस को कंपेल नहीं किया जाएगा कि जिसके प्रोडक्शन से वो विटनेस ख़ुद ही मुजरिम ठहराया जाए तो ये तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अदालत में प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह के विटनेस को कंपेल नहीं किया जाएगा आखिर में एक एक्सेप्शन है जिसके तहत ऐसे विटनेस को भी इन तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल किया जा सकता है तो एक्सेप्शन कहता है कि विटनेस को कंपेल किया जा सकता है अगर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को अदालत में प्रोड्यूस करने की राइटिंग में कंसेंट दे है और वो कंसेंट उस पर्सन को दे दी हो जिसने उस विटनेस के डॉक्यूमेंट्स अदालत में प्रेजेंट करने के लिए मांगे थे अगर बात करें आर्टिकल थर्टीन के ऑब्जेक्ट की तो इसका ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दैट से इसके विटनेस को इनकन्वीनियंस ना हो उसे पर्सनल नुकसान ना पहुँचे एंड लोग गवाही देने के लिए इनक्रेज हों से कोई एक पर्सन है किसी को इंसाफ दिलवाने के लिए वो ऑनेस्ट पर्सन अदालत में गवाही देने के लिए चला जाता है गवाही देता है एंड नतीजा बदकिस्मती से ये निकलता है कि उस ऑनेस्ट पर्सन को ही सजा हो जाती है तो हम सब भी क्या इंप्रेशन पड़ेगा डेफिनेटली हम सब को ये सबक मिलेगा कि आज के लिए ना किसी के ख़िलाफ़ गवाही देनी और ना किसी के फेवर में तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यह आर्टिकल वजूद में लाया गया